नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास है मोटोरोला का मोटो जी 10 पावर, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन का गूगल असिस्टेंट कैसे ऑन कर सकते हैं और मोटोरोला के किसी भी डिवाइस में किस तरह से आप ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना है इस तरह से। तो आपके सामने यहाँ पर अगर साइनिंग होगा तो यहाँ पे अगला स्टेप करना होगा, अगर साइनिंग नहीं होगा तो यहाँ पे साइनिंग करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद आपको साइनिंग कर लेना है और यहाँ पे चेकिंग इन्फो होगा, इसके बाद अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। तो यहाँ पे ईमेल और आप फोन नंबर डाल देंगे जिससे आपका गूगल अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेक्स्टर पार्टनर, ठीक है। इसके बाद आपका ये यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप पासवर्ड डाल दीजिए अपने गूगल अकाउंट का। जैसे ही यहाँ पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करोगे आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें आपको यस आई एम इन पे क्लिक करना है। इसके बाद एग्री पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे अगर बैकअप लेना होगा गूगल ड्राइव में तो कर लीजिएगा, वरना एक्सेप्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन आ गया है। अब आपको यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेस योर असिस्टेंट विथ वॉइस मर्ज, तो आपको यहाँ पे वॉइस मर्ज करवा लेना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, एग्री कर देना है आपको। ओके गूगल, ओके गूगल, हे गूगल, हे गूगल, यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट सेविंग ऑडियो का ऑप्शन आता है और नोट नाउ का। स्टार्ट सेविंग ऑडियो करने से ये होता है कि जो भी आप बोलोगे वो आपकी ऑडियो को सेव करेंगे। इससे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके वॉइस पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब यहाँ पे अलाउ लॉक स्क्रीन पर्सनल रिजल्ट, तो यहाँ पे अगर लॉक स्क्रीन पे अलाउ करते हो तो आपका मोबाइल लॉक भी होगा जब भी गूगल असिस्टेंट काम करेगा। अगर चाहते हो कि मोबाइल अनलॉक करने के बाद काम करे तो सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज कर देता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। यूज स्क्रीन कॉन्टैक्ट, मतलब कि यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट चाहते हो जो भी स्क्रीन पे आपके है उसको रीड वीड करने के लिए, तो आप फोन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं गूगल असिस्टेंट की फुल सेटिंग बता रहा हूँ, या ध्यान रखिए आपका असिस्टेंट लैंग्वेज क्या होना चाहिए, हिंदी में करेगी या इंग्लिश में करेगी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं सेटिंग कर रहा था लेकिन ऐसा हो सकता है आपके साथ भी। तो यहाँ पे चला जाऊँगा और इसके बाद यहाँ पे मोर पे चला जाऊंगा, यहाँ पे सेटिंग पे चला जाऊंगा और गूगल असिस्टेंट का जो ऑप्शन आ रहा था इस पे चला गया। नो थैंक्स कर देता हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हो मैं ओके गूगल बोल के दिखाता हूँ। ओके गूगल, ये देख सकते हो यहाँ पे आ गया। ओके गूगल, सेट एन अलार्म। ऑलराइट, फॉर व्हेन? 7:30 AM आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। और बहुत सारे टिप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हो तो बहुत सारे टिप्स होते हैं, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। जैसे कि आप फनी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ओके गूगल, सिंग ए सॉन्ग। ओह ओके, हियर गोज। आप देख सकते हो, तो इस तरह से आप गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके गूगल, क्या कर रही हो? सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। अब जैसे ही आप हिंदी बोलोगे ये समझेगी नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये 3 डॉट इस पे चले जाना है। जैसे कि शुरू में गूगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे लैंग्वेज सेट करने का ऑप्शन आया था, तो आप यहाँ पे चले जाओगे और जाने के बाद तो यहाँ पे असिस्टेंट पे चले जाना है, लैंग्वेजेस पे चले जाना है। असिस्टेंट लैंग्वेज में आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, और जो भी लैंग्वेज आपको ऐड कर लेना है जिसमें आप असिस्टेंट चाहते हो, उसे हिंदी में यहाँ पे कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो हिंदी मेरा यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद बैक करोगे तो असिस्टेंट वॉइस की बारी आती है। तो असिस्टेंट वॉइस में आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, आप देख सकते हो बहुत सारे वॉइसेज आते हैं आपको। तो यहाँ पे आप वॉइस भी ऐड कर सकते हो कोई भी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कौन सा वॉइस आपको पसंद आया है। ओके,
If you like this voice and और want me to इसके keep बाद using यहाँ it, पे just आपको बैक कर देना है। तो यहाँ पे वॉइस भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया। अगर वॉइस आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा है सही तरीके से, तो आप वॉइस मैच वापस से कर लोगे, और यहाँ पे फेस मैच कर सकते हो, और भी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए हम हिंदी में बोल के देख लेते हैं। ओके गूगल, क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, आपका दिन कैसा चल रहा है? तो गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल आई थिंक आपको आ चुका होगा, और अगर इसकी कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मोटोरोला के किसी भी फ़ोन पे आप अप्लाई कर सकते हैं सेम मोटर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।